इमेजिन करो कि आप सेना रैली की भर्ती में हो और आपका नंबर रनिंग के लिए आने वाला है। वो जो मोमेंट है उस पल को आप महसूस करो। जैन फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह और आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही बिल्कुल समझ लेना मेरे दिल का टॉपिक है, वो आपसे शेयर करता हूँ। मैं आज उन पलों को याद करता हूँ जब सेना रैली भर्ती में मेरा नंबर फिजिकल के लिए आया था और उस वक्त मैं क्या महसूस कर रहा था, जो कि आप भी करोगे। यानी कि अगर आपके यहाँ अभी बहुत सारे स्टेटों में भर्ती आ चुकी है, आप लोग भी बिल्कुल वही स्टेज से और उसी जगह से आप भी गुजरोगे। तो आज आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आपको एक सीन दिखा रहा हूँ भर्ती, सेना भर्ती फिजिकल का, और आप महसूस करना कि आप रियल में आपके साथ में वैसा ही हो रहा है, तो आप क्या करोगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आपका फिजिकल का नंबर आएगा तो आप इमेजिन करो कि आप बैठे हुए हो और आपको अचानक बोलेंगे 250, जब आपका टोकन नंबर दिया होगा और आपका नंबर अचानक से आएगा कि ये इस नंबर से इस नंबर तक वाले यहाँ पे आ जाओ। यानी कि आप अपने लाइनअप पे आ जाओ जहाँ आपका 1600 मीटर का स्टार्टअप पॉइंट है। तो आपके दिल में तब क्या गुजर रही होगी, ये आप अपने से पूछो। अगर मेरे दिल पे क्या गुजरी, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। जब मैंने कभी दौड़ के प्रैक्टिस नहीं करी, ना मैंने आर्मी में कुछ किसी चीज़ की कोई प्रैक्टिस करी, बस मेरे अंदर में एक मन का विश्वास था। और मैं पिथौरागढ़ से हूँ, उत्तराखंड का। कभी कोई पिथौरागढ़ के मेरे भाई बहन हो तो कमेंट जरूर करना। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जो BRO रोड थी, वो वास्तव में एक तो इतनी पतली और ऊपर से हाइट वाली रोड थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब मेरे से आगे जो मैं और लोग जो मेरे साथ में कंटेस्टेंट थे, जो मेरे साथ में प्रतियोगी मेरे लोग थे, वो इतने लंबे चौड़े हट्टे खट्टे, हम उस दौरान में बिल्कुल बच्चे थे, तो एक मन में घबराहट तो मेरे भी रहती थी कि यार इतने बड़े बड़े लोग हैं, इनसे मैं कैसे निकलूंगा, या मैं रनिंग से मैं कैसे पार पाऊंगा। मैंने तो कभी प्रैक्टिस भी नहीं करी है, क्या मैं इस दौड़ को पार करूंगा। और मेरे पास फिजिकल के नाम में बस यही था कि स्कूल में हम लोग हमारे गेम्स एक्टिविटी या हम लोगों को खेलों का बहुत शौक था। आजकल दुनिया बच्चे सब मोबाइल में लगे रहते हैं, हमारे टाइम पे बस यही क्रेज़ गेम्स के प्रति था, क्रिकेट के प्रति ऐसी दीवानगी थी कि पूछो मत। 10th के बोर्ड चल रहे हैं और हमारा ध्यान मतलब बोर्ड से न रह के इंडिया, और जब वर्ल्ड कप का वो याद होगा 1996 का, जब इंडिया श्रीलंका का मैच चल रहा था, मेरे अगले दिन मैथ का पेपर था और आज रात को मैं चोरी चोरी मैं क्रिकेट मैच देख रहा था। तो एक वो जुनून था खेल का। तो मतलब जो हमारी फिजिकल जो एक्टिविटी थी गेम के थ्रू पूरी होती रहती थी, लेकिन फिर भी एक एक प्रैक्टिस एक पर्टिकुलर 1600 मीटर की मैंने कभी नहीं करी। तो मुझे भी लगा यार मैं कैसे इस भीड़ से पार पाऊंगा, कैसे मतलब क्या मैं एक्सलेंट में आ पाऊंगा, क्या मेरे रनिंग क्लियर होगी। और फ्रेंड जैसे ही बोला यहाँ से यहाँ तक वाले इधर पे आ जाओ, और मैंने एक ही चीज़ करी कि दौड़ के सबसे पहले आगे चला गया जहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट था। यानी कि मतलब आगे खड़े रहने का नंबर मेरा पहले आ गया था। और उसके बाद में भी आप यकीन नहीं मानोगे जो मेरे साथ हो रहा है, आप लोगों के साथ में भी अगर हुआ होगा तो आप महसूस करो कितना घबराहट भरा पल होता है। दिल धक धक करता है, अगल बगल भीड़ भाड़ देख के मतलब लोगों को देख के ऐसा लगता है यार ये तो मेरे से तेज होगा, मेरे से तेज होगा। तो इसमें मतलब मन में उस वक्त कई प्रश्न चिन्ह चलते रहते हैं। तो मेरा पूरी कहानी बताने का मतलब यही है, मन के हारे तो हार है, मन के जीते तो जीत है। और इस भीड़ में अचानक नज़र पड़ी मेरे फादर पे मेरी, मतलब जहाँ से नीचे मैं नीचे खड़ा था और मेरे फादर ऊपर से आ रहे थे, हमारा पहाड़ी एरिया है, मेरे फादर भी आर्मी में, जो उन दोनों पापा आर्मी में सर्विस करते थे, तो छुट्टी आए हुए थे। मतलब मैंने अपने फादर को देखा और मेरे फादर की जैसे मेरे पे नज़र पड़ी तो दिल में एक अजीब जैसा एक मेरे को मतलब सुकून भी मिला और घबराहट भी हुई कि ना मुझे इसको पार करना है। और आप दोस्तों यकीन नहीं मानेंगे, उसके 4 चक्कर थे, 3 चक्कर तक तो मेरे को किसी ने भी नहीं काटा, चौथे चक्कर में मेरे को जरूर 2 बंदों ने काटा। मैं एक्सलेंट ग्रुप का 3rd पर्सन था, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था। और ना मैंने कभी पुलअप्स की प्रैक्टिस करी, वेट कम था उन दिनों, तो पुलअप्स से मेरे मैंने 10 खींच लिए। तो एक मन में मेरे विश्वास था, मेरे चीज़ में बस एक ही चीज़ थी कि मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, भगवान मेरे साथ में कभी बुरा नहीं कर सकता। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि मैं पहली भर्ती में भर्ती हो जाऊँ, तो मैं उससे पहले 3 भर्तियाँ और देख चुका था, मतलब जिसमें कि मैंने सारों में फिजिकल क्लियर किया, 2 में मैं मेडिकल से आउट हो गया और 1 में मेरा डॉक्यूमेंटेशन से मैं रह गया, क्योंकि मेरी एज अंडर 17 था। मैं हमारे टाइम पे 16 ईयर कंप्लीट होने गया था भी आप आर्मी में जा सकते थे, आजकल ऐसा नहीं है, आजकल मिनिमम एज 17.5 है। तो फ्रेंड्स एक मैं डॉक्यूमेंट की वजह से 4थी भर्ती थी, और 4थी भर्ती में मैं दौड़ में वापस वही था
मेरे फादर को मैंने देखा और उनसे मुझे लगा कि नहीं यार मुझे आज आना है, और मैं आया भी। मतलब मैं आपको ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि आप कभी भी भर्ती की भीड़ में जाएं तो कभी भी आप मतलब अगर दाएं बाएं दूसरों को देख के जब भी आपको लगे कि यार कि ये मेरे से तेज़ करेंगे या मेरे से तेज़ दौड़ेंगे, तो एक मन में ज़रूर आप अपने माता पिता का चेहरा याद रखें। और आप बस आपके दिमाग में एक ही चीज़ होनी चाहिए कि मेरा टारगेट है आर्मी की ग्रीन ड्रेस हासिल करना, और ये तो मेरी ही है और इसे मैं हासिल करके रहूँगा, और इसे हासिल करने के लिए आज ये मेरा फर्स्ट स्टेप है और इसमें मैं ज़रूर सक्सेस होऊंगा। यकीन मानिए आप 100% सक्सेस होंगे। आप मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों का आता है कमेंट सर कि हम कौन से डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करें। मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ कि आप लोग डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करें, मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ कि आप लोग, और मैं कभी मना भी नहीं करता हूँ कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं पूछता हूँ कि आप मेरी राय पूछेंगे तो मैं बोलूँगा कि सेल्फ रेटी ज़्यादा बढ़िया है। अगर आपके घर के आसपास के 10-15 लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनके साथ में ग्रुपिंग में दौड़ने की आदत बनाइए, ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। फ्रेंड्स अगर डिफेंस एकेडमी में भी आप जाओगे तो मैं एक डिफेंस एकेडमी वाले का कल मैं वीडियो देख रहा था, उसको GD का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोलना ही नहीं आ रहा था कि हाँ क्लास 10th में वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ पा रहा था, वो आपको फौजी बनाएंगे तो मुझे समझ में नहीं आता वो कैसे बनाएंगे। तो बस फिजिकल का ही होता है फिजिकल। फ्रेंड्स दौड़ना और बिम ये इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि हम वीडियो में देखते हैं कि यार कैसे भीड़ हो कैसे पार होंगे मेरा टाइमिंग ही नहीं घट रहा। भाई अगर आपने मन में ठान लिया है किसी चीज़ की भाई मुझे हासिल करना है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो आपको रोक सके। और फिजिकल आर्मी में फिजिकल पार होने का मतलब है कि तकरीबन आप 70% भर्ती आप पार कर चुके हो, कुछ बहुत मेडिकल और रही गई कसर रिटर्न में। क्योंकि आर्मी में एक बेनिफिट ये भी है कि भीड़ छटनी फिजिकल से शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स मेरे कहने का मतलब यही है कि कभी भी अपने आप को कमज़ोर न समझें, कभी भी अपने मन में ऐसा न आने दें कि आप ये आपसे मजबूत दूसरे हैं। आप हमेशा खुद पे भरोसा कीजिए, अपने माता पिता के आशीर्वाद पे भरोसा कीजिए। जब भी आपको कमज़ोरी महसूस होती है ग्राउंड पे अपने माँ बाप को अपने गुरुजनों को याद कीजिए, ज़रूर इससे आपका हौसला हिम्मत साहस सब बढ़ेगा। अगर मन में विश्वास हो कि हाँ आर्मी की ड्रेस मेरी है और मेरी तो मंजिल ही इसे हासिल करने की है, ये ग्रीन ड्रेस मुझे हासिल करनी है, मुझे माँ भारती के तिरंगे को सलूट देनी है आर्मी की वर्दी पहन के, तो मजा नहीं कि कोई आपका सपना आपके आंखों से छीन के ले जाए। आप उसको हासिल करने के लिए अपनी जी जान आप सब लगा दोगे और आपको फिजिकल में फिजिकल क्या मेडिकल आपको रिटर्न अगर आप में विश्वास है तो आपको कोई आपकी सफलता आपसे छीन नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स पूरे कहने का मत जो मैं आपको पूरी जो व्याख्या कर रहा हूँ मेरे कहने का मतलब यही है कि खुद में आत्मविश्वास पैदा करें। अगर आपके मन में विश्वास है तो आप हमेशा हर फील्ड में ज़रूर आप जीतोगे। तो फ्रेंड्स कल जो अभी उदयपुर में भर्ती आने वाली है यानी कि भर्ती स्टार्ट होने वाली है और उसमें कई गाइडलाइन आई है, तो उदयपुर के जो बाहर के लोग भी हैं अदर स्टेट के लोग भी हैं वो भी कल की वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें मैं कल आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन और प्लस कोविड के दौरान में भर्तियों में कैसा क्या चल रहा है, क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लाना है क्या नहीं लाना है, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, पूरी जानकारी दूंगा। तो कल की वीडियो मिस मत करना, उसमें मैं डॉक्यूमेंटेशन प्लस भर्तियों में क्या क्या हो रहा है वो सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा। तो तक दीजिए अपने भाई को इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।